ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 40 का अध्ययन होने जा रहा है। आइए साई के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अध्याय सभी के चित्त में उतरे, सभी को इसका लाभ मिले। आइए शुरू करते हैं अध्याय 40। श्री साई बाबा की कथाएं। पहला, श्री बीवी देव की माता के उद्यापन समारोह में सम्मिलित होना और दूसरा हेमाडपंत के सहभोज में चित्र के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में दो कथाओं का वर्णन है। एक, बाबा किस प्रकार श्रीमान देव की माँ के यहाँ उद्यापन में सम्मिलित हुए और दूसरा बाबा किस प्रकार होली त्यौहार के भोजन समारोह के अवसर पर बांद्रा में हेमाडपंत के गृह में पधारे। प्रस्तावना। श्री साई समर्थ धन्य है जिनका नाम बड़ा सुंदर है। वे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपना जीवन ध्येय प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। वे भेदभाव की भावना को नष्ट कर उन्हें अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। भक्त लोग साईं के चरणों पर भक्ति पूर्वक गिरते हैं और श्री साईं बाबा भी भेदभाव रहित होकर प्रेम पूर्वक भक्तों को हृदय से लगाते हैं। वे भक्तगण में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वर्षा काल में जल नदियों से मिलता तथा उन्हें अपनी शक्ति और मान देता है। आइए अब पढ़ते हैं श्रीमती देव का उद्यापन उत्सव। श्री बीवी देव डहाड़ू यानी जिला ठाणे में मामलतदार थे। उनकी माता ने लगभग 25 या 30 व्रत कर लिए थे, इसलिए अब उनका उद्यापन करना आवश्यक था। उद्यापन के साथ साथ 100-200 ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था। श्रीदेव ने एक तिथि निश्चित कर बापू साहेब जो को एक पत्र शिरडी भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरी ओर से श्री साईं बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अवश्य डहाड़ू पधार कर दास को कृतार्थ करेंगे। बापू साहेब जोग ने बाबा को यह पत्र पढ़कर सुनाया और उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसके सम्मुख मैं अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। उसे एक सुखद पत्र भेज दो कि मैं और दो व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊँगा। जो कुछ बाबा ने कहा था जोग ने श्रीदेव को पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र पढ़कर देव को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें ज्ञात था कि बाबा केवल राहता रुई और नीम गांव के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाते। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है, उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी है। वे तो सर्वव्यापी हैं, वे किसी भी वेश में अनायास ही प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। उद्यापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी डहाड़ू स्टेशन पर उतरा जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किए हुए था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि वह गोरक्षा संस्था का स्वयंसेवक है। वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ के मामलेदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी समय मामलेदार भी वहाँ पहुँच गए। तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे वार्तालाप करते रहे। मामलेदार ने बताया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहेब नरोत्तम सेठ ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा एकत्र करने की एक नामावली बनाई है।
अतः अब एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। इसलिए श्रेष्ठकर तो यही होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात पुनः यहाँ दर्शन दें। यह सुनकर सन्यासी वहाँ से चला गया और 1 माह पश्चात श्री देव के घर के सामने तांगे से उतरा। तब उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वह चंदा मांगने ही आया है। उसने श्री देव को कार्यव्यस्त देखकर उनसे कहा, श्रीमान मैं चंदे के निमित्त नहीं वरन भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहर्ष स्वागत है। सन्यासी ने कहा, मेरे साथ 2 बालक और हैं। तो देव ने कहा, तो कृपया उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलंब था, इसलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उनको बुलाने को भेज दूं। तब सन्यासी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। देव ने उनसे दोपहर में पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर को तीनों वहां पहुंचे और भोज में सम्मिलित होकर भोजन करके वहां से चले गए। उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहेब जोग को पत्र में उल्हाना देते हुए बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। जोग वह पत्र लेकर बाबा के पास गए, परंतु पत्र पढ़ने के पूर्व ही बाबा उनसे कहने लगे, अरे मैंने वहां जाने का वचन दिया था तो मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था, परंतु जब वह मुझे पहचान ही ना सका तब निमंत्रण देने का कष्ट ही क्यों उठाया था। उसे लिखो कि उसने सोचा होगा कि वह सन्यासी चंदा मांगने आया है, परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं किया था कि 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊँगा, और क्या वे त्रिमूर्तियाँ ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुई। देखो मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा, मेरे शब्द कभी असत्य ना निकलेंगे। इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर देव को भेज दिया। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आँखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था कि मैंने व्यर्थ ही बाबा पर दोषारोपण किया। वे आश्चर्यचकित से हो गए कि किस तरह मैंने सन्यासी की पूर्व यात्रा से धोखा खाया जो कि चंदा मांगने आया था, और सन्यासी के शब्दों का अर्थ भी ना समझ पाया कि अन्य 2 व्यक्तियों के साथ मैं भोजन पर आऊँगा। इस कथा से विदित होता है, जब भक्त अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में आता है तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते हैं और निर्विघ्न समाप्त होते हैं। हेमाडपंथ का होली त्यौहार पर सहभोज। अब हम एक दूसरी कथा लें जिसमें बतलाया गया है कि बाबा ने किस प्रकार चित्र के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण की। सन 1917 में होली पूर्णिमा के दिन हेमाडपंथ को एक स्वप्न हुआ। बाबा उन्हें एक सन्यासी के वेश में दिखे और उन्होंने हेमाडपंथ को जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँगा। जागृत करना भी स्वप्न का एक भाग ही था, परंतु जब उनकी निद्रा सचमुच में भंग हुई तो उन्हें ना तो बाबा और ना ही कोई अन्य सन्यासी ही दिखाई दिया। वे अपनी स्मृति दौड़ाने लगे और अब उन्हें सन्यासी के प्रत्येक शब्द की स्मृति हो आई। यद्यपि वे बाबा के सानिध्य का लाभ गत 7 वर्षों से उठा रहे थे तथा उन्हीं का निरंतर ध्यान किया करते थे, परंतु यह कभी भी आशा ना थी कि बाबा भी कभी उनके घर पधारकर भोजन कर उन्हें कृतार्थ करेंगे। बाबा के शब्दों से अति हर्षित होते हुए वे अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए अपने यहाँ पधारेंगे, इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की। प्रत्युत्तर में हेमाडपंत ने बात गुप्त न रखकर स्वप्न का वृत्तांत सत्य सत्य बतला दिया। तब वे संदेह पूर्वक पूछने लगी कि क्या यह भी कभी संभव है कि वे शिरडी के उत्तम भोजन त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपना रूखा सूखा भोजन करने को पधारेंगे। हेमाडपंत ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है, हो सकता है वे स्वयं ना आए और कोई अन्य स्वरूप धारण कर यहाँ पधारें। इस कारण थोड़ा अधिक भात बनाने में हानि ही क्या है,
इसके उपरांत भोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई, होली का पूजन प्रारंभ हो गया और पत्तले बिछाकर उनके चारों ओर रंगोली डाल दी गई, दो पंक्तियां बनाई गई और बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया। घर के सभी कुटुंबी पुत्र नाती लड़कियां दामाद इत्यादि ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया और भोजन परोसना भी प्रारंभ हो गया। जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उस अज्ञात अतिथि की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहा था। जब मध्याह्न भी हो गया और कोई भी ना आया तब द्वार बंद कर सांकल चढ़ा दी गई। अन्न शुद्धि के लिए धृत वितरण हुआ जो कि भोजन प्रारंभ करने का संकेत है। वैश्वदेव यानी अग्नि को औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे कि इतने में सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट स्पष्ट आने लगी। हेमाडपंत ने शीघ्र उठाकर सांकल खोली और दो व्यक्ति, एक अली मोहम्मद और दूसरा मौलाना इस्मु मुजावर को द्वार पर खड़े हुए पाया। इन लोगों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है तो उन्होंने विनीत भाव में कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपनी थाली छोड़कर दौड़े आए हैं तथा अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी यह संपदा संभालिए। इससे संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य सुविधाजनक अवसर पर सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों में लिपटा हुआ एक पैकेट निकालकर उसे खोलकर मेज पर रख दिया। कागज के एक आवरण को जो ही हेमाडपंत ने हटाया तो उन्हें बाबा का एक बड़ा सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ। बाबा का चित्र देखकर वे द्रवित हो गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उनके समूचे शरीर में रोमांच आया। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों पर झुक गया। वे सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है। कौतूहलवश उन्होंने अली मोहम्मद से प्रश्न किया कि बाबा का यह मनोहारी चित्र आपको कहां से प्राप्त हुआ? उन्होंने बताया कि मैंने इसे एक दुकान से खरीदा था। इसका पूर्ण विवरण मैं किसी अन्य समय के लिए शेष रखता हूँ। कृपया आप अब भोजन कीजिए क्योंकि सभी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेमाडपंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को मध्य में रखा तथा विधिपूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया। चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई और इस घटना पर आश्चर्य भी हुआ कि वह सब कैसे घटित हुआ। इस प्रकार बाबा ने हेमाडपंत को स्वप्न में दर्शन दिए, अपने वचनों को पूर्ण किया। इस चित्र की कथा का पूर्ण विवरण अर्थात अली मोहम्मद को चित्र कैसे प्राप्त हुआ और किस कारण से उन्होंने उसे लाकर हेमाडपंत को भेंट किया, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु, शुभम भवतु। ओम साई राम।